यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मिण तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। देवलोक के सुखों का वर्णन करते हुए आचार्य कहते हैं, सर्वप्रथम त्रिलोकवर्ती त्रिकालवर्ती पंच परमेष्ठियों को नमस्तु, जिनवाणी माता को नमस्तु, दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्तु और भारत के सभी आचार्य उपाध्याय साधुओं को नमस्तु। गणनी माता जी और आरिका माता जी को वंदामी, शेष क्षुल्लक क्षुल्लिका और एलक महाराजों को इच्छाकार प्रतीक्षाकार। व्रतों के साथ जो देवलोक को प्राप्त होते हैं उनको कैसा वैभव प्राप्त होता है उसका वर्णन। ऋषि कजमनातंक दीर्घ कालोपलालितम नाके नाकौ कसान सौख्यम नाके नाकौ कसामिव। ऋषि कज, ऋषि का अर्थ इंद्रिय होता है, तो इंद्रिय जनित स्वर्ग का जो सुख होता है वो साधारण सुख तो नहीं होता, लेकिन देखिए कैसा होता है, इंद्रिय जनित होते हुए भी अनातंकम आतंक रहित होता है, वहाँ कोई भय नहीं है, कोई रोग नहीं है, कोई बाधा नहीं है। और दीर्घ कालोपलालितम, दीर्घ काल तक देवलोक की आयु बड़ी लंबी होती है, तो दीर्घ काल तक वह जो सुख है वो उपलालित है, लालन पालन बोलते ना, खूब अच्छी तरह से जिसको संभाला जाता है ऐसा सुख होता है वहाँ पर। और अधिक क्या कहें, यहाँ अनन्योपमा अलंकार का प्रयोग करते हुए आचार्य पूज्यपाद स्वामी लिख रहे हैं, नाके का अर्थ है स्वर्गे, स्वर्ग में, नाकौ कसाम सौख्यम, नाकौ कस अर्थात स्वर्ग है निवास जिनका, उन देवों का सौख्यम, सौख्य नाके नाकौ कसाम एव, बस स्वर्ग में निवास करने वाले स्वर्ग के जो देव होते हैं उनके ही समान होता है, अन्य कोई उपमा नहीं है, ऐसा सुख होता है वहाँ पर। यानी सांसारिक सुखों में सर्वोच्च सुख वहाँ देवलोक में होता है। और नाक शब्द से सूचित हो रहा है यहाँ स्वर्ग की बात है, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव व्रती जीव जो चौथे गुण स्थान से ऊपर चला गया वो उन देवों में उत्पन्न नहीं होता जहाँ जीव बिना सम्यक के चला जाता है, उन देवों में उत्पन्न नहीं होता, वैमानिक देव होता है, ये इसका अभिप्राय है। फिर अगर वो सुख ऐसा अनन्योपमा अलंकार द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है, अर्थात तो उस सुख की कोई दूसरी उपमा नहीं है, वो सुख उस सुख के ही समान है। ये अनन्योपमा अलंकार के कुछ उदाहरण हम आपके सामने रखते हैं। एक तो हम जहाँ पर अभी हम लोग जहाँ चतुर्मास कर रहे हैं, गोमटेश्वर बाहुबली स्वामी हैं, उनके विषय में रविंद्र जैन की एक पंक्ति है, उसमें उन्होंने अनन्योपमा अलंकार का प्रयोग किया है, अनन्य उपमा अलंकार, अनन्योपमा अलंकार, एक संधि करने से लंबा शब्द बन जाता है। अनन्य यानी कोई दूसरी उपमा नहीं है, वो स्वयं अपनी ही उपमा है। उन्होंने एक पंक्ति लिखी है, अपनी उपमा बन आप खड़े कोई और नहीं इन सा जग में, अपनी उपमा बन आप खड़े कोई और नहीं उन सा जग में। इसी तरह बच्चों को स्कूल में जब अलंकार पढ़ाते हैं तो वहाँ विद्यालयों में एक श्लोक पढ़ाया जाता है अनन्य उपमा अलंकार का,
गगनं गगनाकारं सागरः सागरोपमः राम रावणयोर्युद्धं राम रावणयोरिव। गगन जो है किसके समान है, तो उसमें लिखा है गगनाकारं। गगन जो है वो गगन के आकार वाला ही है, कोई दूसरा उसका कोई उदाहरण नहीं है, कोई उसकी उपमा नहीं है। और सागर किसके समान है, तो सागर सागर उपमा, सागर तो सागर की ही उपमा से वर्णित किया जा सकता है, सागर के लिए भी कोई अन्य उपमा नहीं है। फिर तीसरा उदाहरण दिया राम रावण योर युद्धम, राम और रावण का जो युद्ध हुआ वो किसके समान था, उसके समान कौन सा युद्ध हुआ, तो बोले राम रावण योर इव, राम और रावण का जो युद्ध हुआ बस उसी के समान राम और रावण का युद्ध हुआ, अर्थात वैसे युद्ध जैसा कोई अन्य युद्ध नहीं हुआ। हमने भी अपने गुरु के लिए एक छंद लिखा था ऐसा छोटा सा, चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संता, हम तो इतना जानते आप सरीखे आप, आप सरीखे आप, ये अनन्य उपमा है। यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि देवलोक का जो सुख होता है वो बस देवलोक का जो सुख है उसके समान ही होता है, उसकी कोई दूसरी उपमा नहीं। अब यदि इतना अच्छा सुख संसार में है तो फिर किसी के मन में विकल्प आ जाए कि फिर हम मोक्ष प्राप्ति का इतना कठिन पुरुषार्थ क्यों करें जब इतने अच्छे सुख देवलोक में है, तो उसका बड़ा अद्भुत समाधान दिया आचार्य महाराज ने। छठे काव्य में आचार्य कह रहे हैं कि ठीक है सुख तो है पर वो सुख अभूतपूर्व नहीं है, वो सुख अविनाशी नहीं है, वो सुख स्वाधीन नहीं है, एक इसका उदाहरण है किसी विद्वान ने दिया हुआ उदाहरण है कि कोई मनुष्य रोगग्रस्त हो जाता है, उसको टाइफाइड मलेरिया या कोई ऐसी बीमारी होती है तो ज्वर आ जाता है शरीर में, तापमान बढ़ जाता है, शरीर एकदम गर्म गर्म हो जाता है, तपने लग जाता है, और वो ताप मापक यंत्र थर्मोमीटर उसको लगाने से उसका तापमान उसमें आ जाता है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में भी निकाल सकते हैं, फ़ारेनहाइट में निकाला जाता है प्राय करके। तो मान लो किसी का तापमान 106 आ रहा है और उसके ऊपर पानी की पट्टियां रख रहे हैं, शीतल उपचार कर रहे हैं, उसके शरीर को ठंडा करने का प्रयास कर रहे हैं, और कुछ लोग पैरों में मिट्टी तेल लगाते हैं तो पैरों में मिट्टी तेल लगाने से भी बुखार उतरता है, तो ये सारे उपक्रम हो रहे हैं और जब बुखार उतरता है, सही में उतरता है, जब उतरता है और फिर दोबारा थर्मोमीटर लगाते हैं आध पौन घंटे के बाद में फिर से लगाते हैं, तो टेम्परेचर तो कम आता है उसका, 106 के बदले अभी 101 आता है, 101 में 5 डिग्रीज तापमान गिर जाता है नीचे, तो वो ऐसे आंखें खुलता है, बीमार आदमी ऐसे थोड़े धीमे से खुलता है ना आँखें, तो आंखें खुलता है तो उससे उपचारक लोग पूछते हैं कि कैसा लग रहा है,
तो ऐसे एक थकी हुई मुस्कान उसके चेहरे पर आती है और कहता है, अब अच्छा लग रहा है। समझ रहे हैं, बहुत गंभीर बात है, एक दृष्टांत है, अब अच्छा लग रहा है। ठीक हो तुम? हाँ अब ठीक हूँ। तो अभी 101 डिग्रीज बुखार है, तो कोई भी चिकित्सक उसको ठीक नहीं मान सकता, लेकिन वो तीव्र दुख से मंद दुख में आया है, तो तीव्रता कम हो जाने का नाम ही सुख होता है संसार में। वास्तव में संसार में कहीं सुख नहीं होता, दुख की तीव्रता का अभाव होना ही संसार में सुख है। अपने मन की कोई बात हो गई, चलो तो मन की बात हो जाने से क्या दुख चला जाता है आत्मा से? असाता कर्म का क्षय हो जाता है क्या? राग द्वेष समाप्त हो जाते हैं क्या? नहीं होते। तो राग द्वेष के होते हुए, असाता के होते हुए संसारी प्राणी सुखी कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन जब कोई बात मन की हो जाती है तो उसके अंदर जो बेचैनी थी, कोई काम उसका अटका हुआ था, हो ही नहीं रहा था, बड़े दिनों बाद उसके मन की बात हो गई तो वो खुश हो जाता है। और वो जो खुशी है वो वास्तव में इच्छा पूर्ति की खुशी नहीं। सबको लगता ऐसा है कि इच्छा पूर्ण हुई इसलिए खुश हो गया। नहीं, इच्छा पूर्ण नहीं हुई है, जिस चीज़ की इच्छा की थी वो चीज़ तुम्हें मिल गई, और मिल जाने के कारण वो इच्छा शांत हो गई। वो इच्छा शांत हो गई तो उस इच्छा ने जो खलबली मचा के रखी थी अंदर, इच्छा जो होती है वो तूफान मचा देती है। सबको इसका अनुभव है, अपूर्ण इच्छा बेचैन कर डालती है। और देखा जाए, ऐसे कहने में आता है कि इच्छा पूरी हो गई, कोई चीज़ मिल गई, वास्तव में वो इच्छा वो उस वस्तु के मिल जाने के बाद इच्छा जो है स्टेयरिंग बदल देती है, किसी और वस्तु पर चली जाती है। जो चीज़ मिल गई उसमें तृप्ति का तो सवाल ही नहीं उठता, मिल गई थोड़ी देर के लिए बहुत अच्छा लगता है, कुछ समय के लिए बिल्कुल प्रसन्न हो जाता है, लेकिन भरता नहीं है, मन कभी भरता नहीं है। मूलाचार ग्रंथ में लिखा है कि जैसे हजारों नदियाँ समुद्र में जाती हैं लेकिन तू भी समुद्र का पेट नहीं भरता, और अग्नि में कितना भी ईंधन डालो अग्नि का पेट नहीं भरता। उसी प्रकार इच्छा को आप कितनी भी सामग्री दे दो, इच्छा का भी पेट नहीं भरता। आत्मानुशासन ग्रंथ में गुणभद्र आचार्य महाराज ने लिखा है, आशा गर्दः प्रतिप्राणी यस्मिन् विश्वमनुपम किं कस्य कियदायाति वृथा वो विषयेषिता। हर मनुष्य के सामने, हर प्राणी के सामने एक आशाओं का गड्ढा है। वो गड्ढा इतना बड़ा है कि उसमें समूचा विश्व एक अणु के बराबर है। अब ये समूचा विश्व एक प्राणी के गड्ढे के सामने एक अणु बराबर है, तो फिर किंग कस्य कियदायाति, फिर इतने अनंत प्राणी इस जगत में किसके हिस्से में कितना आएगा, सोचो। वृथा वो विषयेषिता, हे भव्य प्राणियों, सांसारिक सुखों की तुम्हारी जो अभिलाषा है वो व्यर्थ है, क्योंकि तुम कितनी भी सामग्री डाल लो वो आग कभी बुझ नहीं सकती, क्योंकि ये ईंधन का काम करते हैं। जो इंद्रियों के विषय होते हैं वो ईंधन का काम करते हैं, वो आप आग में डालो तो फिर आग और प्रज्वलित होती है, फिर आप और डालो और प्रज्वलित होती है, कभी शांत नहीं होती।
लेकिन संतोष की एक बूंद से वो गड्ढा भर जाता है, आशाओं का गड्ढा संतोष की एक बूंद से भर जाता है। कुछ नहीं, यथा लाभ संतोष, जो मिला बस उसमें खुश रहना बड़ी बात है। मात्र भोजन की बात नहीं है, अपने जीवन में और भी अनेक क्षेत्र हैं, जो मिला उसमें खुश रहते। व्रतीजनों की बात है, एक जो असंयमी है, जिसने अभी अहिंसा की ओर मुख नहीं मोड़ा, उन्हें अहिंसा की ओर मुख नहीं किया है, अहिंसा के अभिमुख नहीं हुआ है, जो अहिंसा की शुरुआत जैन धर्म में अणुव्रत धारण करने से होती है। अहिंसा को समझना तो ठीक है, व्रती बने बिना भी समझ सकते हैं, लेकिन अहिंसा का प्रारंभ अणुव्रतों से होता है। तो देवलोक में ऐसा सुख है, पर वो सुख वही एक प्यास जैसा है। आगामी सूत्र में आचार्य महाराज उसका भी स्पष्टीकरण करेंगे कि वो कैसा है सांसारिक सुख, वो बताएंगे। जैनम जयतु शासनम।